मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा फोन मिल गया। 1 ईयर ही लगा बट मिल गया, ये उम्मीद नहीं था। थैंक यू सो मच पटना पुलिस, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद हम लोग का सर और ऊंचा होगा। सब्जी मंडी में सब्जी लेने के दौरान मोबाइल खो गया था, मतलब लगभग मान चुका था कि मोबाइल अब मिलेगा नहीं। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा था और सबसे ज़्यादा FIR यासना मोबाइल स्नैचिंग की घटना होती थी, मोबाइल गुम की घटना होती थी। लेकिन पटना सेंट्रल SP के तरफ से एक पहल की गई है और जिस प्रकार से ऑपरेशन मुस्कान के तहत जितने भी मोबाइल को गुम किया हुआ है तमाम लोगों तक लौटाया जा रहा है। हमारे साथ DSP संजीव कुमार सिंह जी हैं, इनका अभी मोबाइल गुम हो गया था, लौटाने का काम सेंट्रल SP ने किया। सर जिस प्रकार से पहल की गई है, सेंट्रल SP साहब जिनका भी मोबाइल कई सालों से गुम था, चोरी हो गया था, स्नैचिंग की घटना हुई थी, उनको लौटाया गया, आपका भी आपके साथ भी घटना जनवरी में हुई थी, इस पहल को कितना बेहतर मानते हैं? बहुत अति सराहनीय कदम है ये पटना पुलिस का, इससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति काफ़ी बढ़ेगा और तदनुसार पुलिस को पुलिस के कार्यों में जनता अब काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग करेगी, जिससे गंभीर कांडों के उद्भेदन में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर सीधे तौर पे संजीव जी देखा जाए, पुलिसिंग में आपका लंबा अनुभव रहा है, पुलिस अधिकारी के भी पोस्ट पे हैं, कई एरिया में भी आपकी तैनाती हुई होगी, जब आपका मोबाइल गुम हुआ होगा तो आपने सोचा था कि मिल जाएगा? सच बोलिएगा। विश्वास तो था, चूँकि मैं पुलिस में काम कर रहा हूँ और पुलिसकर्मियों को जान रहा हूँ और संयोग से मैं लोकल पदस्थापित था पटना ही में, तो काफ़ी लोग मेरे परिचित भी थे, इसका भी फायदा हमें मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खोया हुआ विश्वास पब्लिक का है पुलिस के प्रति, वो रिस्टोर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी इस अभियान से जो सेंट्रल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाया गया है। देखिए सीधे तौर पे संजीव कुमार जी थे, DSP हैं, और सीधे तौर पे इनका मोबाइल जनवरी महीने में गुम हो गया था, लेकिन पटना सेंट्रल SP के तरफ से जो पहल की गई है वो सार्थक पहल है। मोबाइल गुम हुआ था 1 महीने पहले, लगा था कि मिल जाएगा मोबाइल, निराश हो गए थे बहुत ज़्यादा, लगा नहीं था बट मिल गया। थैंक यू सो मच पटना पुलिस, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद हम लोग का सर और ऊंचा होगा। पहला बार लगा है कि हाँ पुलिस काम कर रही है। जी जी जी। कहाँ से गुम हुआ? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड से क्या किया गया जब फोन गुम हुआ, उसके बाद आपको आपके पास एक महीने के बाद कॉल आया? हाँ हाँ, कॉल आया तो वो बोले कि फ़ोन वगैरह मिल गया तो आप आ जाना यहाँ पे, तो फिर हम आ गए। क्या नाम है? जी मोना। थैंक यू। मिल गया, कितना खुश है और पटना बहुत, किस प्रकार से धन्यवाद कर रहा है? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज 1 ईयर ही लगा बट मिल गया, ये उम्मीद नहीं था मुझे। बिकॉज बहुत लोग बोलते थे कि ये बस ऐसे ही है, बुलाया जाता था, एक दो बार मतलब थाना में बुलाया गया, उम्मीद नहीं था कि मिलेगा, बट मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा फ़ोन मिल गया और सही सलामत, यही कोतवाली थाने के जस्ट अपोजिट उधर साइड। ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया था बीघा से, जहाँ पे हम लोगों ने 24 मोबाइल बांटे थे, उसी के दूसरे चरण में जनवरी से लेके मई तक जितने भी मोबाइल हम लोगों के या तो चोरी हुए हैं या फिर खो गए हैं, गिर गए हैं, जिनका सनहा हुआ था, उनमें से हम लोगों ने 100 मोबाइल फिर रिकवर किए हैं, जिनको हम अभी लोगों को बांटने वाले हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो कि खो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चाहे चोरी हो जा रहे हैं, वो रिकवर किए जाएं और उनके राइटफुल ओनर को टाइमली प्रोवाइड किया जाए। जैसे हम पहले बताए थे कि इससे पब्लिक का पुलिस पे फेथ मेंटेन होता है, लोगों को लगता है कि हाँ वो शिकायत अगर करने जाएगा तो उसका मोबाइल रिकवर होगा। इसी का एग्जांपल यही है कि हमारे ही सर्विस के एक DSP साहब का भी मोबाइल यहाँ मिला है, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। सभी थानों में इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, सभी लोगों ने जितने मोबाइल एक्टिव थे उसमें से काफ़ी मोबाइल रिकवर किए और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी 100 मोबाइल किए हैं, हम लोगों का प्रयास रहेगा जल्दी जल्दी इसी तरह से इंस्टॉलमेंट्स में और ज़्यादा मोबाइल रिकवर कर करके लोगों को लौटाएँ। ये इनका एक सब्ज़ी मंडी में हुआ था, इसका एस्केप हुई थाना में, इन्होंने सनहा करवाया था तो उनका मोबाइल रिकवर किया है। इस पूरी कार्रवाई में अभी तक हम लोगों ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और बाकी जो भी लोग जिनके पास हम लोगों को मोबाइल मिल रहा है इसका डेटाबेस हम लोग संधारित कर रहे हैं और वो लोग किस किस से मोबाइल प्राप्त किए हैं, किन दुकानदारों से लिए हैं, इस पर हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ेगी और रिकवरी की संख्या बढ़ेगी। दुकानदारों की गिरफ्तारी अभी तक हुई? अभी गिरफ्तारी दुकानदारों की नहीं हुई है, उसके लिए चूँकि हम लोग सब्सटेंशियल एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग पुख्ता एविडेंस है तो उन लोगों को जेल भेजें और वो लोग जेल में रहें। कौन DSP साहब थे सर? छीन लिया गया था, गिर गया वो, अभी आप देख लेंगे। वो छीना नहीं गया था, वो सब्ज़ी मंडी में मोबाइल रख के थोड़ा सा खरीद रहे थे सब्जी, तो उसी समय पे इसने उठा लिया था। कौन डीएसपी साहब?
आप लोग देख लेंगे और डीएसपी सचिवालय हाँ आए गया था, क्या हुआ था उस समय? जनवरी माह में सब्जी मंडी में सब्जी लेने के दौरान मोबाइल खो गया था, किसी ने वहाँ से ले लिया होगा और मैं मतलब लगभग मान चुका था कि मोबाइल अब मिलेगा नहीं, लेकिन पटना पुलिस के प्रयास से सराहनीय कार्य करते हुए उस मोबाइल को रिकवर किया गया है, तो इससे मुस्कान लौटी है। आम लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही थी, जो मोबाइल गुम हो जा रहा था उसे लौटाने का काम किया गया और आज सेंट्रल एसपी के तरफ से डीएसपी समेत 100 लोगों को उनका गुम मोबाइल लौटाया गया और इस पूरे मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। रोहित, दर्शन न्यूज पटना।